हार, 68 तीर्थ हम किए चीना सिरजनहार। अब धर्मदास कह रहा है कि सुन ले जिंदा, हम वैष्णो साधु हैं और मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कैसे किया है? 68 तीर्थ घूम के नानू के। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालिग आए, अर को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। के जिस पत्थर की मूर्ति ने तू लिए फिर रहा इसका आगे घंटी बजाओ। ये तो पत्थर बोल न चाल है, कितने दिन हो गए तने इसकी से पूजा कर दे, कदे बात हुई तेरी इसकी? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद नी कामी। बोलत गटगट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदु नहीं जाण्या, चिदानंद को चीन डारिये पत्थर पासाणा। राम कृष्ण करोड़ों गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से है अब बूझो ज्ञान विवेक। के थोड़ा सा भी विवेक रखता हो ना तू, अब बूझ मेरे पे कैसे ये राम कृष्ण करोड़ों मर गिरो धनी एक का एक। अब देखो धर्मदास की बुद्धि कितनी स्लिप हो रही थी। परमात्मा को कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। परमात्मा को कहता कहाँ से आया ए जीव। बोल जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आद अनादि हम हैं अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमार, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत घनसार। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। अब धर्मदास जी ने जो परमात्मा से वार्ता प्रारंभ की तो परमात्मा ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी, कृपा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं बहुत भटक लिया हूँ। अब धर्मदास जी ने बताया कि मैं राम कृष्ण का जाप जपा करूँ और शंकर जी की भी पूजा करता हूँ और विष्णु जी मेरा इष्ट रूप में पूज्य है, मैंने रूपदास नाम के एक गुरु जी से उपदेश भी ले रखा है और गीता जी का नित पाठ किया करता हूँ। जिंदा आप भी ऐसी ही क्रिया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा ने कहा कि आप भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की पूजा करते हो और आप प्रतिदिन गीता जी का पाठ भी करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप धर्मदास जी एक बात बताइए, एक समय एक किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्ति हुई और किसान ने सोचा कि ये पुत्र जब तक युवा होगा हो सकता है मेरी मृत्यु हो जावे, और उसने क्या सोचा कि मैं अपना खेती का अनुभव लिख देता हूँ। उसने प्रत्येक क्रॉप का प्रत्येक फसल का समय, उसमें प्रत्येक एकड़ में कितना बीज और किस समय सिंचाई, कितना खाद डालना चाहिए, कौन से मौसम में कौन से मास में उसकी बिजाई होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया और अपने पुत्र से कहा कि बेटा हो सकता है मेरी कभी मृत्यु हो जाए, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरी मृत्यु के उपरांत आप इस व्यवसाय को खेती को संभालना और मैंने अपना अनुभव इस बही में लिख दिया है पैड में, आप इसको पढ़कर इसके अनुसार करना। ठीक है। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास
अब वो पुत्र जो है किसान का, उस अपने पिता के अनुभव को प्रतिनित्य नियम की तरह पढ़ने लग गया। वो पढ़ तो रहा है प्रतिदिन पिता के अनुभव को, और बीज रहा है बाजरा बोण के दिना मत गेहूँ बो है, या गेहूँ के स्थान पर और कुछ बो रहा, ग्वार बो लिया, तो क्या वो अच्छा किसान है, क्या वो धनी हो जाएगा? तो धर्मदास जी कहते हैं ना, वो तो भूखा मरेगा, उसका तो वो तो कति कंगाल हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, श्रीमद् भगवत गीता आप डेली पढ़ते हो, नित नियम की तरह पढ़ रहे हो, और इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि जो भगवान ने आदेश किया था वो इसमें लिपिबद्ध कर दिया वेद व्यास जी ने, और जो इसमें लिखा है यदि हम ऐसा ही करें, ऐसी ही साधना करें, तो हम भक्ति के धनी हो जाएंगे। यदि गीता जी में लिखा कुछ है और हम साधना उससे अन्य कर रहे हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक मार्ग में सफल हो जाएंगे? अब धर्मदास जी कहने लगे, बात तो आपकी ठीक है। तो परमात्मा ने कहा, आप राम राम हरे कृष्ण, हरे राम राधे श्याम सीता राम, और श्री कृष्ण यानी और विष्णु जी और शंकर भगवान का जाप जपते हो, क्या गीता जी में कहीं ये आदेश है? अब उसको पता था कि तो कितने लिखा है को नहीं, भले आदमी जब गीता जी में ये लिखा नहीं, आदेश नहीं, परमात्मा का आदेश नहीं, उसके विपरीत तुम साधना कर रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब धर्मदास जी डेली पढ़ा करता गीता जी, अब वो याद भी थी परमात्मा के कहने के तुरंत बाद उसने खोल ली और देखी, उसमें क्या पाया? जो परमात्मा बता रहे थे वही पाया। अपुनात्माओं, हमने गीता जी को खूब पढ़ा, लेकिन पढ़ा जरूर, लेकिन साधना गीता वाली एक भी ना करी हमने, इसलिए हमारी भक्ति का भट्ठा बैठ गया, परमात्मा का कोई लाभ मिला नहीं, सारे न्यों के न्यों आपत्तियाँ आपताएँ दुख हमारे ऊपर आते रहे, और हम शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके अपना भक्ति का नाश कर बैठे। आज हमने उन सदग्रंथों को पुनः संभालना होगा, और उस सच्चे मार्ग पर हमने फिर से प्रस्थान करना होगा। आप देखना, कुछ दिनों में अगर पूरा विश्व इस मार्ग पर लग गया, परमात्मा ने एक सेकंड में यह पृथ्वी रच दी, सेकंड के कुछ भाग में सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी कबीर परमेश्वर ने एक सेकंड में, और वो क्या नहीं कर सकते आज आपके लिए। एक बार चिट्ठी लिख दी किसी ने कि कबीर जी भंडारा करेंगे, ये साधु संतों के पास भेज दी ये नकली, आगे सारे 18 लाख की संख्या में कबीर परमेश्वर के द्वार पर, और उसमें परमात्मा लीला कर रहे थे कि जैसे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है परमात्मा वो भी पा सकता है, सुबह का आटा था या नहीं था, इस तरह अपना कपड़ा बुनते थे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे। हमें ये दिखाना चाहा कि तुम हमारी तरह करके देखो विश्वास भगवान पर, और ये साधना करके देखो उस परम पिता परमात्मा की, सतलोक से परमात्मा कबीर जी अपना 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन लेकर आगे टेंट लगा दिए चारों तरफ, 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा करा दिया, बरातमा से आदमी आया करें, और 1 महीने पहले चिंता हो जाती है पूरे गांव ने, और वहाँ 18 लाख को भोजन करा दिया। तो आपका हमारा जो रोजगार समय पर टूक, ये कोई बड़ी बात नहीं मालिक के लिए, लेकिन हमें वो विधि नहीं प्राप्त जिससे परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है। सेकंड के कुछ भाग में सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी कबीर परमेश्वर ने एक सेकंड में, और वो क्या नहीं कर सकते आज आपके लिए। एक बार चिट्ठी लिख दी किसी ने
कि कबीर जी भंडारा करेंगे, ये साधु संतों के पास भेज दी, ये नकली आगे सारे 18 लाख की संख्या में कबीर परमेश्वर के द्वार पर। और उसमें परमात्मा लीला कर रहे थे कि जैसे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है, परमात्मा वो भी पा सकता है, सुबह का आटा था या नहीं था, इस तरह अपना कपड़ा बुनते थे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे। हमें ये दिखाना चाहा कि तुम हमारी तरह करके देखो विश्वास भगवान पर, और ये साधना करके देखो उस परम पिता परमात्मा की। सतलोक से परमात्मा कबीर जी अपना 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन लेकर आगे टेंट लगा दिए चारों तरफ, 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा करा दिया। बरातमा से आदमी आया करें और 1 महीने पहले चिंता हो जाती है पूरे गांव ने, और वहाँ 18 लाख को भोजन करा दिया। तो आपका हमारा जो रोजगार समय पर टूक, ये कोई बड़ी बात नहीं मालिक के लिए, लेकिन हमें वो विधि नहीं प्राप्त जिससे परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23। जो पुरुष जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 में क्लियर कर दिया अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब परमात्मा ने कहा कि आप श्री सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा करते हो, गीता जी में इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब लाला जी था कितने क्या दिखाऊं देखो। अब परमात्मा ने कहा डट जा, तेरे तन्न ना देखना हो, मैं दिखाऊंगा। ये देख, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा अथ सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय, इसमें पहले मंत्र में आप देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुने। नो कहता ही बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 7वें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा जिसको, ये तत्व ज्ञान नहीं ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब पुणात्मा देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है।
इसके अध्य